बीजेपी ने नहीं किया, अब हम चार्टर टी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपका हक है कि पड़ेगा। भाई और बहनों, और यहां Yes guys, we are in JNK and we are covering rallies, especially Rahul Gandhi rally today on 23rd September in Srinagar, and this is the PDP rally. Yes guys, we are in Rahul Gandhi rally here today. कश्मीर की मजबूरी है, भारत साहब जरूरी है, कश्मीर की मजबूरी है, भारत साहब जरूरी है, मजलूमों की मजबूरी है, भारत साहब जरूरी है, बेरोजगारों की मजबूरी है, भारत साहब जरूरी है, बहू बहनों की मजबूरी है, भारत साहब जरूरी है, कश्मीर की मजबूरी है, भारत साहब जरूरी है, हम तुम्हारे साथ हैं, मुझे हम तुम्हारे साथ हैं। आपका क्या नाम हो बेटा? मेरा नाम मोहम्मद लायक है। ओके, तो आप कहाँ से आए भैया? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हो? जी। तो इधर मैं यहाँ काम करता हूँ, आप पता लगा। तो बैठने दीजिएगा। हाँ बैठिए। शांति से। तो ब्रदर, अभी हम लोग बात करेंगे इस ब्रो से। तो आप बिहार के रहने वाले हो? जी हाँ। तो भैया, आप यहाँ कैसे आ गए? मतलब यहाँ आप सुने कि राहुल गांधी आने वाले हैं, तो देखने के लिए आए? देखने के लिए आए। राहुल गांधी का सपोर्टर भी है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, देखने के लिए आए हैं हम। तो आप मतलब राहुल गांधी को कब से फॉलो कर रहे हैं? राहुल गांधी हमें तो फॉलो करते हैं शुरू से ही। कांग्रेस को फॉलो, हम लोग कांग्रेस वाले हैं। तो आपका यहाँ वोटिंग है क्या? नहीं, वोटिंग कहाँ से होगा, हम तो परदेसी है। हाँ, परदेसी है ना। काम करने के लिए आए यहाँ, लेकिन पता लगा कि राहुल गांधी आएगा तो हम लोग आ गए। छुट्टी कर दिया, तबीयत भी खराब है तब भी हम आए यहाँ पे। हाँ, उसके सपोर्ट के लिए। तो आप राहुल गांधी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी के लिए क्या लगता है, आपका सरकार बनेगा कांग्रेस का? इस बार कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए। एनसी का या अलायंस है यहाँ पे शायद प्री पोल? हम तो इतना कुछ नहीं जानते, आम आदमी इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन
कांग्रेस जो है बेहतर है, बेहतर है पब्लिक के लिए, बेहतर काम करेगा कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट हर किसी को करना चाहिए। इतना भरोसा है? हाँ, इतना भरोसा है। और खाली फौज इंडिया को यहाँ रखना था, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। फिर जब बीजेपी की सरकार आई, उसने तो हमारा सब वजूद खत्म कर दिया यहाँ पे, आर्टिकल 370। किस सरकार पे आपको भरोसा लग रहा है कि किस सरकार बनेगी? किस हमारी यहाँ की जो असली सरकार है वो एनसी है। अच्छा, जो पहली यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है वो एनसी है, जिसको शेख अब्दुल्ला ने बनाया है 1947 के बाद, जो यहाँ कश्मीर बनी। हाँ, हम स्ट्रगल करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। कश्मीरी एक एक यूथ लड़ेगा अपने हक के लिए, क्योंकि हमें स्टेटहुड वापस होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 हमारा हक था। जब हमने एक्सेशन भारत के साथ की तो उन्होंने हमें ये भरोसा दिया कि हम आपके आपको भरोसा को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ तो इस्तेमाल हो रहा है इन 70-72 सालों से। राहुल गांधी भी आज आ रहे हैं, वो यूथ लीडर है, वो हम वेलकम कर रहे हैं, वो यूथ लीडर है, वो हमारी कंडीशन समझ रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ही बढ़ गई है, एमएससी पीएचडी करके रेड़े पे वो अपना रोजगार कमा रहे हैं, उनको भी ये रोजगार कमाने में नहीं देते। जेएनके के लोगों का जो बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू नौकरी का। पहले को हमें जो यहाँ यूथ है इनकी पकड़ दकड़ कम बंद होनी चाहिए। अच्छा, तो हमारे का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर कोई इन्वॉल्व है स्टोन पेल्टर्स, उनको बंद रखा गया, उनके साथ अगर उनको काउंसलिंग करेंगे, वो छोटे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, अगर वो छोटे बच्चे हैं, अगर उनके साथ गवर्नमेंट काउंसलिंग करेंगे, वो पढ़े लिखे हैं, उनको समझाने में उनको एक्ट दे रहे हैं, वो वहाँ से 3-4 साल जेल गुजार के वो क्या बनेंगे, उनकी तो लाइफ खराब होगी। और किसी को शक पे उठाते हैं यहाँ पे, यहाँ इतना जुल्म चल रहा है। अब हमारे जिंदा रहने कश्मीर खुल के बात नहीं कर सकता है इस वक्त, मुझे डर नहीं है किसी का, किसी का डर नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ। सर, आप किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हो अभी? मतलब सरकार को सपोर्ट करे जो यूथ को यहाँ प्रोडक्शन देंगे, अच्छा जो एजुकेशन बढ़ाएंगे, जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट वो खत्म करेंगे। अच्छा, क्योंकि जो जिन्होंने यहाँ जख्म खाए, उनको इनकी जख्मों को मरहम करने की जरूरत है। सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बस आपसे, 370 2019 से पहले था और 370 अभी खत्म हो गया, तो आप लोग के लाइफ में नॉर्मल जो यहाँ का जनता है उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए? मतलब बहुत परेशानी हो, क्योंकि पहले तो अगर 100 सीटें निकलती थी जॉब अपॉर्चुनिटी, वो तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए होता था, अब तो बाहर का भी आ सकता है जॉब के लिए। हाँ, यहाँ तो हमारी प्रॉब्लम हो गई है, जॉब का मतलब बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है इन सालों में, आप पूछो मत। तो सर, टूरिज्म बड़ा नहीं है क्या सर? 370 बात सुनो भाई, टूरिज्म पर सब कुछ नहीं चलता ना। अच्छा, टूरिज्म में 20% 100% अगर यहाँ पॉपुलेशन है, वो टूरिज्म पर मत चल सकती है। अच्छा अच्छा, बात सही बोला, गवर्नमेंट होना जरूरी है, स्टेबल गवर्नमेंट होना जरूरी है। तो आप लोग इस बार सरकार बनाने वाले, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ के आने वाले गवर्नमेंट होगी वो यूथ को प्रोटेक्शन दे, और गवर्नमेंट उस तरह से चलाए जो जिन्होंने जख्म खाए इन पिछले 30 सालों में, उनके जख्मों पे मरहम करे। मरहम करे, ऐसी सरकार चाहते हैं? हाँ, ऐसी सरकार चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ डार है। कहाँ से आए हैं? मैं नीचे HMT से आ रहा हूँ। आप यहीं के रहने वाले? जी। अच्छा, कश्मीर के रहने? जी सर। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ता है आपका? हमारा HMT कॉन्स्टिट्यूएंसी है, श्रीनगर HMT सर। आपका
कौन लड़ रहा है मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट? हमारा लीडर साहब है तारिक अहमद कर्रा साहब। देखिए जो हमारा जोश है राहुल जी, हाँ राहुल जी, और देखिए राहुल जी के लिए, राहुल जी के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह इंडियन अलायंस यहाँ पे बनने वाला है और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। इंशाल्लाह। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहसिन है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ आपका? ये सेंटर शॉल्टेंग। अच्छा शॉल्टेंग। जी जी जी। आप कांग्रेस के साथ कब से, लास्ट पहला वोटिंग अपने लाइफ में किसको? मैं जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था मेरा पहली बार वोट था यहाँ पे। किनको दिया था आपने? मैंने तब था एनसी के साथ, हमें अलायंस था, तब मैंने एनसी वालों को डाला। एनसी वालों को डाला। जी जी जी। इस बार आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? इंशाल्लाह अलायंस की हुकूमत बनेगी, कांग्रेस की हुकूमत, एनसी के साथ हमारा अलायंस है, उनके साथ हमारी हुकूमत बन जाएगी। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है, 110%। दो रीजन बताइए कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एनसी को और कांग्रेस को आप लोग? कांग्रेस पार्टी को इसलिए ये कर रहे हैं, जो राहुल जी का प्यार है, जो उन्होंने 11 kg ये चावल दिया और यूथ के लिए 1,00,000 नौकरियां दी है मैन्युफैक्चरिंग में, वो इसीलिए ये आप देखे ये कितनी भीड़ है यहाँ पे, यूथ है कांग्रेस, यूथ देखिए कितना है राहुल जी के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं आया हूँ राहुल जी के रैली में, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं राहुल जी को पहली बार देखोगे? जी 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 जी, पहली बार, पहली बार। और देखिए आप प्यार देखिए कितना, 370 पे बात करना चाहूंगा कि 370 हटने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मतलब चेंज हर कोई, हमारा 370 सारा था, नौकरियां थी उसमें सारा कुछ था, वो सारा 370 जब तक सेंटर वालों ने हटाया तब से आप देखिए, अब मीटर्स की बात कीजिए, चावल की बात कीजिए, हर एक मतलब ये चावल का मसला हो, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, वो हमारा उतना नहीं हो रहा है फोकस। अच्छा अच्छा, मतलब जॉब का भी, जॉब भी नहीं है अब, देखिए रेट क्या बना है, जॉब टूरिज्म, बट यहाँ पे पीस है कि नहीं बताओ? पीस तो ये पीस तो है उतना नहीं है, 370 जब से हट गया तब से बहुत ये हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी जी, वो बात है। और राहुल गांधी में आपको क्या अच्छा लगता है? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी का इतना अच्छा लगता है उनका, या उसमें पिछली बार जब आए थे वो रैली में आए थे, उनका प्यार था, बोला मैं कश्मीरियों के साथ है, मुझे या कश्मीरियों का ज्यादा ये है प्यार है, और उनने बोला 370 पे और यूथ पे बोला 1,00,000 नौकरियां दी मैन्युफैक्चरिंग में, उतना क्या खत्म, गरीबी खत्म हो रही है कश्मीर में, राहुल गांधी जी ने बोला 1,00,000 नौकरियां दूंगा, 11 kg चावल दूंगा, और अनएम्प्लॉयड यूथ को भी पैसा देगा शायद 4,000। हाँ हाँ यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कांग्रेस पार्टी ने मैन्युफैक्चरिंग में वादा किया है, वादा किया है कांग्रेस, राहुल जी से उम्मीद है बड़ी है, उसको कश्मीरियों के साथ ज्यादा प्यार है जो हमारे कश्मीर। आने वाले हैं जस्ट अभी, 2 घंटे के इंतजार के बाद राहुल गांधी आने वाले हैं, और 1:30 का टाइमिंग था, 2:30 को आ रहे हैं शायद, आने वाले हैं गाइस। जो डटे हुए हैं महाज पर,
जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबों में तलाश कर। मैं सबसे पहले हम लोग हैं, इनको शायद आराम मिला है इसीलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। जितने लोगों को जुल्म महसूस हुआ हाथ खड़ा करो। मैं एक नारा दूंगा उसका जवाब दो। जुल्म का बदला, सारे नहीं बोल रहे हो, जुल्म का बदला नहीं भी बोल रहे हैं, अभी सफेद टोपी वाला नहीं बोल रहा है। जुल्म का बदला चारों तरफ आवाज आनी चाहिए, यही हमारी कैंपेन है। जुल्म का बदला जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है, और यही हम करते जाएंगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था, मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीन कर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। ये आपके साथ हुआ है और ये आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपके लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले, और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए, और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें, और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका लोकतांत्रिक हक है, और ये आपको वापस देना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, कर्रा साहब ने अभी कहा कि यहां पे पहले HMT की फैक्ट्री होती थी, पूरे देश में ऐसी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बंद की हैं, प्राइवेटाइज की हैं। 2-3 अरबपतियों के लिए ये काम करते हैं, 25 लोगों के लिए इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए ये कर्जा माफ नहीं करते हैं, अरबपतियों के लिए ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। गलत GST लाए, नोटबंदी की, और जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसेस थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, उन सबको इन लोगों ने बंद किया। नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कहीं भी ढूंढ लो, जम्मू कश्मीर में ढूंढ लो,
बाकी हिंदुस्तान में ढूंढ लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। कोई भी डिग्री ले लो, कॉलेज की डिग्री ले लो, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मगर आपको रोजगार नौकरी नहीं मिल सकती। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये इनकी पॉलिटिक्स है। और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो, ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? और जम्मू कश्मीर से उन्होंने सिर्फ आपका लोकतांत्रिक हक नहीं छीना, जो भी पहले आप डिसीजंस लेते थे, चाहे वो विकास के डेवलपमेंट हो, विकास के डिसीजंस हो, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, शिक्षा के डिसीजंस हो, स्वास्थ्य के डिसीजन हो, पहले ये सब आप लोग एमएलए चुन कर लेते थे। आजकल ये जो डिसीजंस है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पे राजा बैठा रखा। यस गाइस, रैली खत्म हो चुकी है, लोग जाते हैं। तो यस गाइस, भी हम लोग अभी रैली से बाहर निकल चुके हैं, राहुल गांधी की रैली से। और ये देख सकते हैं, तो एक क्राउड दिखा दिया हमने राहुल गांधी की रैली का, और वही है, अभी रैली खत्म हो चुका है।